तक तो फिर बने रहिए हमारे साथ, ये नहीं बताते बेटे, ऐसे नहीं बताते। अरे किसने बनाया किंडर जॉय? हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज हमारी मॉर्निंग हुई है फादर और डॉटर की एक साथ, तो गाइस आप लोगों को जो है ना एंटरटेन करेंगे। अरे 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 रुको 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 रुको, कहाँ जाने का है? अच्छा, पांच लोग हैं हम लोग घर में पांच लोग हैं, तो हम पांच लोग मिलकर जो है ना आज घमासान युद्ध करेंगे, तो फिर बने रहिए हमारे साथ, ये नहीं बताते बेटे, ऐसे नहीं बताते। सॉरी आप लोगों को नहीं, तो बने रहिए फिर, ठीक है ना? सॉरी बोल दो फिर वो लोग नाराज हो जाएंगे। बारिश हो रही? हाँ। कहाँ बारिश हो रही? बाहर। हाँ। झूठ बात, कहाँ पर हो रही बारिश बताओ? अरे इतनी बड़ा झूठ, बोली इतना बड़ा झूठ, बोली कहाँ खा रहे तुम? कहाँ खा रहे? ओहो किंडर जो आए, अच्छा बच्चू। बहुत ही खूबसूरत वेदर हो गया है यहाँ पर। जी हाँ, क्या पता यार कल होना हो। तो हमें लगी थी भूख, तो हम निकल गए हैं हमारे छोटे साहेबजादे को लेकर। ये हमारे छोटे साहेबजादे हैं, इनका नाम है, क्या नाम है इनका, नाम क्या है? नाम क्या है लड़के बताओ? तो इनका नाम है अब्दुल समी शफी। जी हाँ, और इनको हम प्यार से कहते हैं अबुड़ी। तो इनको हम प्यार से कहते हैं अबुड़ी। क्या खा रहे थे? क्या है तुम्हारा फेवरेट बताओ? किंडर जॉय। अरे किसने बनाया किंडर जॉय? मैंने नहीं बनाया ये किंडर जॉय, कौन सी कंपनी ने बनाया पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जिसका जितना भी बिजनेस डेवलप हुआ होगा मेरे पैसों से हुआ होगा, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज्यादा किंडर जॉय खाते हैं और इनके पास है ढेर सारे खिलौने, छोटे छोटे खिलौने जो निकलते हैं, कार के अंदर भी मच्छर आ गए हैं, तो डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है यहाँ पर। सुसु आ रहा? पता तो है। सुसु आ रहा? नहीं। हाँ। चील है ऊपर। चील है ऊपर। ईगल, चील को कहते हैं ईगल। तो अच्छा बच्चू। हाँ बुद्धि, कितने जगह खाते ना बुद्धि? कितने खाते हैं बुद्धि? सात। अच्छा पांच खाते क्या? एतीस खाते है। झूठ बात। सुसु आ रहा? हाँ ऊपर तो था? ऊपर क्या है बताओ, क्या है ऊपर? सुसु। ऊपर सुसु है, ऊपर कैसा आता सुसु, गंदा बच्चा। तो आज है फेस्टिवल दशहरा। जी हाँ, हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। और यहाँ पर जलाएंगे रावण को। हाँ, हर साल की तरह इस साल भी रावण को जलाया गया। ये मेरा पहला फिटनेस सेंटर है जहाँ पर मैंने फर्स्ट जिम स्टार्ट किया था। क्या होना आपको? आपको क्या चाहिए, क्या होना आपको? दूध होना। गाय का दूध होना? दूध होना। टाइगर का दूध होना है? दूध होना है। टाइगर को दूध होना है? कौन से टाइगर को? व्हाइट टाइगर को दूध होना है। व्हाइट टाइगर दूध नहीं पीता। व्हाइट टाइगर को चाहिए चिकन मटन। हड्डी तो आपका वो खाता, आपका डॉगी खाता, वो हड्डी बद्दी खाता मेरा। चलो मैं अभी जो है ना आप लोगों को अबुदी का टाइगर बताता हूँ, ठीक है? चलो अभी बता देंगे ना, वहाँ पर थोड़ी देर में बताएंगे। एयरपोर्ट नहीं, यहीं पर है ना आपका टाइगर, थोड़ी देर में बताएंगे। चलिए घर के पास।
तो गाइस वो रहा सप्लीमेंट स्टोर 24/7 फिट न्यूट्रिशन स्टोर, फिटनेस तो गच्चीबोली पर है। और यहाँ पर है अब्दुल समी का घर। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये देखिए कहाँ है अब्दुल समी का घर। ये अब्दुल समी का घर है, ये अब्दुल समी का घर है, बन रहा है अभी। ऊपर है ना अब्दुल समी घर आपका, कहाँ है हाथ से बताओ। ऊपर है तो बन जाएगा जल्दी इंशाल्लाह। ये देखिए ये टाइगर है, इनका इनका टाइगर है। आप लोगों ने देखा मैंने आज पेक्टोरियल मसल ट्रेन किया है। जी हाँ, चेस्ट की मसल 3 वेरिएशंस मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी मैं करने वाला हूँ पुशअप्स। अगर आप लोगों को यहाँ पर फैट अगर आ गया है, लैट्स, सेराटाइज और चेस्ट के इन बिटवीन बीच में जो फैट अगर आ गया है आप लोगों को, उसके लिए जितने भी वेरिएशंस है हमको जो है ना वाइट पकड़ कर उसको अप डाउन करना पड़ेगा। वाइट पकड़ने से हमारा फैट लॉस हो सकता है। अगर हम वाइट पकड़ेंगे तो हमारा आउटर मसल डेवलप होगा। जी हाँ, अगर हम क्लोज पकड़ेंगे पैरेलल बार अगर होल्ड करते हैं तो भी क्लोज पकड़े, अगर इनर चेस्ट अगर चाहते हैं तो ये जो मैं कर रहा हूँ ये आउटर चेस्ट के लिए कर रहा है। तो परफेक्ट पोस्चर आप लोग भी करिए। काफी लोग बहुत दूर का हैंड्स जो है ओपन कर करते हैं, उससे सिर्फ आपके बोन्स पे इफेक्ट होगा, इंजुरी होगी। तो आज हम करेंगे परफेक्ट पोस्चर के साथ, जरूर देखिए। तो गाइज ये है मेरा जिम। हाँ, पहले इससे पहले के व्लॉग में भी मैंने शूट किया था मेरा फिटनेस सेंटर, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। उसमें सारी वर्कआउट्स है, सारा वार्म अप, सारे स्ट्रेचेस और सारी वर्कआउट मौजूद है। हाइट गेन के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए, वेट गेन के लिए, वेट लॉस के लिए सारी चीज़ें मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद है। और ये जो दिख रहे हैं ये हम हैं। जी हाँ, इस कंपनी के हम ब्रांड एम्बेसडर है स्टेट से। और ये जो हमारी बॉडी है ये हमारी 2019 की बॉडी है। जी हाँ, हमने इंडिया को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी लेकिन हो नहीं पाया, लेकिन ज़रूर करेंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो। तिरंगा ज़रूर लहराएंगे फॉरेन कंट्री में, और नेशनल एंथम भी बजा कर रहेंगे फॉरेन कंट्री में, इससे अच्छी भी बॉडी बना लेंगे। सपोर्ट करिए। आज का ब्लॉग हम यही खत्म करते हैं। स्टे फिट स्टे स्ट्रांग।